सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन अप पे आपका स्वागत है। मैं आरपी दिवाज आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ स्वच्छ दूध उत्पादन। आपको बता दें कि हमारी पशु परिचर पार्ट बी को लेकर प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है। हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि उपयुक्त सभी। देखिए दूध 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक तो हाथ से और दूसरा मशीन से। तो मशीन से दूध निकाला जाता है, बहुत बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं उनमें निकाला जाता है मशीन से। डेयरी फार्म हाउस होते हैं बहुत बड़े, उनमें निकाला जाता है। अब अगर हाथ की बात करें तो हाथ से दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है पूर्ण हस्त विधि, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, ये पूर्ण हस्त विधि से दूध का दोहन किया जा रहा है। इसमें 4 अंगुलियां और अंगूठे पांचों से थन को पकड़कर दूध निकाला जाता है। तो ये देखिए पूर्ण हस्त विधि का मतलब 4 उंगुलियां और 1 अंगूठा, इसे पूर्ण रूप से थन को पकड़ा जाएगा और फिर निकाला जाएगा। सबसे अच्छी विधि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। दूसरी कर लेते हैं चुटकी विधि। चुटकी विधि में क्या होता है, इसे इंग्लिश में स्ट्रिप मेथड बोला जाता है। इसमें दूहने के लिए जो जिस प्रकार अपन चुटकी बजाते हैं उसी प्रकार उन मात्र 1 अंगुली और 1 अंगूठे से दूध का दोहन किया जाता है। अंगूठा विधि, इसमें अंगूठे से पकड़कर दूध निकाला जाता है। इसे क्या है, थन खराब होने की शिकायत रहती है, तो ये विधियां बहुत गलत हैं, इनसे थन खराब हो सकते हैं। सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंटनी। देखिए बिल्कुल रट लेना, भेड़ के दूध में पाई जाती है और कितने परसेंट पाई जाती है ये भी आपको रटना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना होगा तो बिल्कुल रटना है इन चीज़ों को। सर्वाधिक वसा भेड़ के दूध में 7.90%, रट लेना। भैंस के दूध में 7.38%, बकरी के में 4.25, तो भेड़ और भैंस दोनों का रट लेना 7.90, 7.38। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में पाई जाती है, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंटनी। भेड़, ये भी रट लेना और इसकी परसेंटेज भी याद करना बहुत जरूरी है। 5.23% पाई जाती है भेड़ के दूध में प्रोटीन, और अगर भैंस की बात की जाए तो 3.60, 2 नंबर पे देखिए भैंस आती है, चाहे प्रोटीन हो चाहे वसा हो, 2 नंबर पे भैंस, 1 नंबर पे भेड़। ये परसेंटेज याद करना जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। सर्वाधिक इंसुलिन किस पशु के दूध में पाई जाती है, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंटनी। देखिए ऊंटनी के दूध में पाई जाती है सर्वाधिक इंसुलिन। देखिए साथ ही में आपको कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, बिल्कुल अपना ध्यान आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सर्वाधिक प्रोटीन और वसा पाई जाती है, सर्वाधिक खनिज लवण, सर्वाधिक खनिज लवण, सर्वाधिक वसा रहित ठोस पदार्थ, ये भी भेड़ के दूध में। देखिए कितनी अच्छी बात है, भेड़ का दूध बहुत ही पौष्टिक। और देखिए सर्वाधिक अगर लैक्टोज,
पूछा जाए लैक्टोज, तो लैक्टोज देखिए, लैक्टोज का मतलब है दूध, जिसके दूध में ज्यादा मीठा होगा लैक्टोज उतना ही अधिक पाया जाएगा। तो लैक्टोज पाया जाता है सर्वाधिक मनुष्य के दूध में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको, ये 10th लेवल के ही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में होभू, आप बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे कम पानी, ये लो, सबसे कम पानी किस पशु के दूध में पाया जाता है। कितने गजब का क्वेश्चन है, कितना शानदार फैक्ट है इसमें। सबसे कम पानी, देखिए सर्वाधिक वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा रहित ठोस पदार्थ भेड़ के दूध में, तो मतलब ये ज्यादा हो गए तो पानी क्या होगा इसमें, सबसे कम होगा, तो भेड़ का दूध में सबसे कम पानी। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कवर करवा दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें जरूर आप शेयर कीजिए। एक और गजब का क्वेश्चन, नवजात शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। नवजात जो शिशु है उसका जन्म हो गया है, बछड़े का उसका जन्म हो गया है, उसके बाद में जो स्रावित होगा पहला दूध उसे क्या कहा जाता है। कोलेस्ट्रम, खीस, फोर मिल्क, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी, जो खीस होती है साधारणतः हम खीस बोलते हैं, उसे मिल्क, फोर मिल्क भी कहते हैं, और कोलेस्ट्रम इंग्लिश में कहा जाता है उसे। तो तीनों ही नाम किसे कहा जाता है जो पहला दूध होता है, जिसे साधारणतः हम गांव में आम बोलचाल की भाषा में खीस कहते हैं। खीस से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अभी मैं आपके लिए पूरा खीस का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। खीस का रंग होता है पीला, हल्का पीला, सफेद, हल्का काला। देखिए जो खीस का रंग होता है वो पूर्णतया पीला नहीं होता, आप येलो नहीं बोल सकते उस कलर को, नहीं, वो होता है हल्का पीला, थोड़ा हल्का लिए होता है और पीले कलर का होता है, गाढ़ा होता है बिल्कुल। ये देखिए मैं खीस की, रंग हल्का पीला, स्वाद कैसा होगा उसका, तीखा। नवजात शिशु का जन्म हो गया, उसके 5 से 10 दिन तक का जो दूध होगा वो एक तरह से खीस कहलाता है। 5 से 10 दिन तक का जो दूध है वो खीस कहलाता है, और विटामिन ए और ई से भरपूर होता है। रट लीजिए कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है, विटामिन ए और ई। नवजात बछड़े को खीस जन्म के कितने समय बाद पिलाना चाहिए। शिशु का जन्म हो गया तो कितने घंटे के बाद उसे खीस है वो पिलाई जानी चाहिए, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर। देखिए 1 घंटे के अंदर उसे खीस पिलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। गाय की खीस में प्रोटीन होता है, देखिए दूध में नहीं पूछ रहा, खीस में प्रोटीन होता है। अभी कल परसों मैंने जो पशुपालन से संबंधित एग्जाम में आए क्वेश्चन करवाए थे उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि जो सामान्य दूध होता है गाय का उसकी खीस में कितना गुना प्रोटीन ज़्यादा होता है सामान्य दूध से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य दूध से खीस में प्रोटीन कितना अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें लिखा हुआ था 1 गुना अधिक, 2 गुना अधिक, 4 गुना अधिक। तो देखिए गाय के खीस में अगर सामान्यतः बात करें प्रोटीन तो 3.58% होता है।
सामान्य दूध में। लेकिन अगर खीस की बात करें तो ये प्रोटीन हो जाता है 16 से 17%, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए कितना गुणा हो गया है। यही क्वेश्चन भैंस का पूछा जाता है कि भैंस की जो खीस होती है उसमें प्रोटीन कितना होता है। तो देखिए जो भैंस की खीस होती है उसमें प्रोटीन होता है 21% के लगभग, भैंस की खीस। बिल्कुल ये परसेंटेज भी याद कर लेना आप। जो नवजात बछड़ा है उसे शरीर के वजन का 1/10 या 10% दूध पिलाना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 लीटर। परसेंटेज में ना पूछा जाए तो बछड़े को 2 से 2.5 लीटर दूध पिलाना चाहिए या 10% वजन के हिसाब से। साथ ही आपको बता दें जो दूध दोहन का समय होता है, दूध दोहन समय 5 से 7 मिनट का, सामान्यतः 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए। जो सबसे अच्छा समय, सबसे उपयुक्त समय 5 से 7 मिनट। साथ ही जो सुबह का दूध होता है वो ज़्यादा उसमें वसा होती है, सुबह के दूध में वसा ज़्यादा होती है। साथ ही पशु को किस ओर से दूध दुहना चाहिए, तो देखिए पशु को बाईं ओर से उसका दूध दुहना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बाईं ओर से दूध दुहना अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। तो इस प्रकार दूध से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो हमने प्राप्त की है। कल फिर जो दूध के प्रसंस्करण की, दूध को किस प्रकार टोंड डबल टोंड, दूध के कितने प्रकार होते हैं, दूध से जितने भी जो कल जो दूध का टॉपिक है उसे हम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल दूध के आपके 3 से 4 टॉपिक दिए गए हैं, स्वच्छ का दूध उत्पादन, दूध का दोहन, दूध का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है। तो कल जो दूध वाला टॉपिक है हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, 1 महीने के अंदर आपका जो पार्ट बी का कोर्स है वो पूर्णतः क्लियर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।